नमस्कार, मैं हूँ माया। माया इज परफेक्ट रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं सांगरी का अचार। आपने सांगरी की सब्जी तो आपने सबने खाई होगी। आज हम बनाने जा रहे हैं स्पेशल सांगरी का अचार। इसके लिए मैंने ये सांगरी अच्छे से छोटे टुकड़े कर लिए हैं और इसको 7-8 घंटे पहले मैंने इसको भिगो के रख दिए थे। और इसमें मैंने 1/2 चम्मच हल्दी डाली थी, इससे ये ऐसे हरी हरी दिख रही है, अच्छी दिख रही है। और इसमें मैंने साबुत लाल मिर्च, ये भी मैंने 7-8 घंटे पहले ही भिगो के रख दिए थे और इसके छोटे टुकड़े कर लिए हैं। और ये मैंने केड लिए हैं, इसको भी मैंने 7-8 घंटे सांगरी के साथ ही भिगो के रख दिए थे और इसको अच्छे से वॉश कर लिए हैं। और ये मैंने अमचूर लिया है और इसको भी हमने 7-8 घंटे पहले ही भिगो के रख दिए थे और इसको हल्का सा बॉईल कर लिया है, जिससे ये अमचूर एकदम सॉफ्ट हो गया है। और किशमिश भी हमने भिगो के रख दी थी 7-8 घंटा पहले और ये भीग के ये तैयार है। अब हम बनाएंगे सांगरी को, हम अब बॉईल करेंगे सिर्फ 2 मिनट के लिए कि ये अच्छे से एकदम सॉफ्ट हो जाए, तो इससे सांगरी का अचार बहुत अच्छा मज़ेदार बनेगा। हमने गैस पर एक पतीला रखा है, ये पानी बॉईल हो रहा है। अब इसमें हम डालेंगे ये जो भिगोई सांगरी थी वो डालेंगे और ये केल भी हम सांगरी के साथ ही बॉईल कर लेंगे। मैंने गैस को ऑफ कर दिया है। अब हम देखते हैं कि हमारी सांगरी तैयार है। तो ये देखिए फ्रेंड, ये देखिए हमारी सांगरी एकदम तैयार है, अच्छे से ये टूट रही है, मतलब हमारी सांगरी एकदम तैयार हो गई है। और ये आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि हमें सांगरी को खुले बर्तन में ही बॉईल करनी है, कुकर में आपको बिल्कुल बॉईल नहीं करनी है। अगर कुकर में आप बॉईल करेंगे तो सांगरी गल जाएगी और सांगरी का अचार बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। अब मैंने सांगरी को 2-3 पानी में अच्छे से वॉश कर लिया है, इसका कालापन एकदम चला गया है। अब इसको हम बनाएंगे सांगरी का अचार। इसके लिए मैंने कढ़ाई रखी है, इसमें मैं 2 बड़े चम्मच तेल डाल रही हूँ और मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ा सा जीरा और 2 तेज़पत्ते और चुटकी भर हींग। अब इसमें पहले मैं थोड़ी हल्दी डालूँगी, 1/2 चम्मच हल्दी डालूँगी और अब मैं ये सांगरी इसमें डाल दूँगी। और ये जो मैंने साबुत मिर्च भिगो के रखी थी ये डाल दूँगी और किशमिश डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें मैं 1 चम्मच नमक डालूँगी, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालूँगी और 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। 1/2 चम्मच हम गरम मसाला डालेंगे। अब इसमें हम डालेंगे मेन चीज़, इसको मैंने जीरा और राई को अच्छे से पीस लिया था और एकदम अच्छे से पीस के तैयार कर दिया है। और ये हम ये सांगरी का अचार बनाते हैं उसमें डालते हैं, तो इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और इसमें हमने 2 चम्मच ये मसाला डालना है, तो ये बहुत टेस्टी बनेगा और बहुत अच्छी खुशबू आएगी। अब इसमें डालूँगी मैं अमचूर, ये मैंने छोटे टुकड़े कर दिए थे, ये अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ चीनी, अगर आपको चीनी पसंद नहीं हो तो आप चीनी मत डालना और अगर आपको पसंद हो तो आप ये 2 बड़े चम्मच चीनी ऐड कर देंगे, इससे खट्टा मीठा हमारा ये अचार बनेगा, इससे हमारा ये अचार बहुत अच्छा बनेगा। और मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप ऐसा घर के अचार बनाएंगे तो आपको अगर 2 रोटी की भूख होगी तो आप 4 रोटी खाएंगे। 1 बड़ा चम्मच मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ, अगर हम पानी ऐड नहीं करेंगे तो ये सारा मसाला एकदम टाइट सा हो जाएगा, अच्छा नहीं बनेगा।
हमने इसमें धनिया पाउडर नहीं डालना है। अगर धनिया पाउडर हम डालेंगे तो ये अचार लंबे टाइम तक नहीं चलेगा। अगर हमें 10 दिन तक अगर ये अचार चलाना है तो इसमें हम धनिया पाउडर नहीं डालेंगे। और ये अचार आप काम में ले सकते हो, 10 दिन तक बना के आप फ्रिज में रख सकते हो। और आप ये देखिए फ्रेंड्स, हमने एकदम हलवाई जैसे बनाता है अचार वैसा हमने घर पे बनाया है। आप भी ज़रूर ट्राई करना ये देखिए, और हमें कमेंट करके बताना कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप और फ्रेंड्स आप शेयर कमेंट लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और जिस किसी ने नहीं किया है तो वो फटाफट कर दीजिए, और अपने फ्रेंड और दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ये हमारा वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।